योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आपको हेल्दी रहना है और आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट है और टाइम नहीं मिल सकता है एक्सरसाइज़ के लिए, तो योगा बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। बहुत हेल्थ इश्यूज़ जिसको है, जैसे बैक प्रॉब्लम या ये सब, योगा से क्योर हो सकता है। हाँ, जो उसने कहा सही है। और मेरे ख्याल से योगा से आपको शांति बहुत मिलती है, एक मानसिक जो शांति बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए, वो आपको योगा से मिलेगी। बहुत सारे आसन होते हैं जिनमें हम ध्यान भी करते हैं, और कहीं ना कहीं वो ध्यान, कोई भी आसन आप ले लीजिए, वो मुद्राएं ऐसी होती हैं, वो आपका एक दिमाग से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। तो दिन भर की, मेरे ख्याल से आप दिन भर थके हुए नहीं लगेंगे। हाँ, सुबह उठने में थोड़ा आलस आता है, बट एक बार अगर आप उठ के और सुबह सुबह शुरुआत, दिन की शुरुआत में ही योगा कर लें, तो पूरा दिन आपका ना पूरा ताजगी और भरपूर जोश वाला रहता है, एनर्जी। इक्कीस तारीख को वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। पूरा देश का, पूरा वर्ल्ड, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि योगा भारत इंडिया मतलब की देन है। तो अगर ऐसा है तो हमें इसको और प्रमोट करना चाहिए। हर कम से कम इंडिया में तो हर किसी को ये करना चाहिए। और कितने ऋषि मुनि थे जो पुराने पूजा पाठ से ज़्यादा वो ध्यान करते थे, क्योंकि ध्यान से आपकी मन की शुद्धता और शरीर दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। तो करना चाहिए, मैं भी करूँगी।